यदि आपके पास ऐसे डाटा अवेलेबल है और इस डाटा से आप इसका चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो सिंपल सी स्टेप क्या रहेगी, आप इस डेटा को आप सिलेक्ट करिए। उसके बाद आप इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि चार्ट फंक्शन है, यहाँ पे वेरियस प्रकार के चार्ट आपको दिए गए हैं। आप यहाँ से जिस भी प्रकार का चार्ट आपको इंसर्ट करना है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक आपके सामने यह चार्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। आप इस चार्ट में डबल करके आप इसके प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं फिल कलर है, आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सॉलिड फिल में जाएंगे, तो जिस भी प्रकार का कलर आपको यहाँ से फिल करना है आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। इस प्रकार के चार्ट की पूरी प्रॉपर्टी, चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, चार्ट में किस प्रकार के क्या ऑप्शंस होते हैं, किस प्रकार से हम इसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इसका पूरा डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है। आप इसको विजिट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप लोगों को मिलते रहे।